हेलो एवरीवन, वेलकम टू निविजन एकेडमी। तो हम संदीप अस्थाना आप लोगों को सॉल्व करा रहे थे BHU CHS क्लास 11th मैथ्स ग्रुप का पेपर। तो 22 क्वेश्चन तक हो गया था, 23 क्वेश्चन जो है हम अब कराते हैं, ठीक है। द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स एंड ए स्नोई इवनिंग इज कम्पोज बाई, ये किसके द्वारा कम्पोज हुआ था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हाइटमैन, रॉबर्ट ब्रिज एंड रुडियार्ड किपलिंग। ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है कंपोज किया गया था, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द प्ले ओथेलो इज रिटन बाय, तो ओथेलो के यानी कि किसके इसके कंपोजर कौन थे? जीवी शाह, महात्मा गांधी, विलियम शेक्सपियर, आर्यन टैगोर थे। इसमें विलियम शेक्सपियर थे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक। एंड नाउ वी सी दैट क्वेश्चन नंबर 25, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन सी स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द सी स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, उसमें यानी बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा है, क्या है? हाइपरबोल। इसमें क्या है? हाइपरबोल, ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार जो। 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेल कॉन्टेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, तो सेल कॉन्टेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या है? सल्फर। सल्फर जैसे कार्बन को क्या करता है? ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब 27 देखिए, विच वन ऑफ द डज नॉट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज 27 वाले क्वेश्चन में, तो इसमें क्या होगा? C4H8, क्या हो जाएगा? C4H8, क्योंकि डिफरेंस कितने को होना चाहिए? CH2 की होनी चाहिए ना डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस जो है होना चाहिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर कराते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस फेरस, जिंक सल्फेट प्लस फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड एंड कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, यानी फेरस की रिएक्टिविटी कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए ए वाला रिएक्शन होगा, ठीक, डी वाला। फेरस की रिएक्टिविटी कॉपर की अपेक्षा जो है अधिक है, इसलिए ए रिएक्शन जो है। और मैग्नीशियम, जिंक, इसकी जो है रिएक्टिविटी क्या है? फेरस से कम है लेड से, इसलिए जो है रिएक्शन नहीं होगा, ओके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो है 29 हो गया आपका ना, प्रोपीन एंड प्रोपाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, प्रोपीन एंड प्रोपाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये हो जाएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज, यानी कि CO में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने किस में हैं? 30A साइनाइड आयन, साइनाइड आयन में भी उतने होंगे, ठीक है, साइनाइड आयन में भी उतने होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड द फॉलोइंग इज द सेम 31 क्या होगा? 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड इन द फॉलोइंग इज द सेम, तो 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में जितना होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक, समझ में आ गया, इस तरह से होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ऊपर से नीचे आने पे पीरियाडिक टेबल में क्या होता है? यानी कि डिक्रीज होता जाता है, इसलिए बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग, यानी कौन सी चीज़ जो है हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगा, उसमें से निकलेगा नहीं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है? जब रिएक्शन होती है, ठीक।
Which of the following will not evolve carbon dioxide upon heating? अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब हीट करने पे जो है इसमें से निकलती है, क्या निकलती है? CO2। एंड क्वेश्चन नंबर 34, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इज, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इज यानी बेंजीन का मुख्य घटक क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इज, इसमें कॉपर एंड स्टाइनस, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इज कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड निकिल दिया है, कॉपर एंड स्टाइनस, ठीक है, तो इसमें कॉपर एंड स्टाइनस ये वाला ऑप्शन है लेकिन। एंड 33 हो गया ना इसमें, द सोप हैज ए, द सोप हैज ए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोलिक फोबिक टेल ये हो जाएगा, ठीक, यानी हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? 36 में देखिए, वन फिनाइल इथेनॉन, टू पेंटेनॉल, वन एथेनॉल, टू पेंटेनॉल, वन फिनाइल एथेनॉन, ए वाला जो है ऑप्शन होगा ए, यानी ये जो है वन फिनाइल एथेनॉन ये वाला जो है इनकरेक्ट है, ठीक। 36 हो गया। एंड 37 क्या है आपका? द रिएक्शन CH3COCO2H5 एथिल एसीटेट एसिड वाटर, क्या बनेगा? एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस, किसका एग्जांपल है? हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का ये जो है, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है इसलिए CH3COO में क्या है, एच मिलकर क्या बना रहा है? एसिटिक एसिड, इसीलिए हाइड्रोलिसिस है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, तो 38 में क्या है? ए सोल्यूशन रिएक्ट्स विथ जिंक पाउडर टू गिव ए गैस दैट एक्सप्लोड्स विथ बर्न्ड, द सोल्यूशन कॉन्टेंस, द सोल्यूशन कॉन्टेंस क्या है? NaOH, NaCl, सोडियम कार्बोनेट एंड HCl। ए सोल्यूशन रिएक्ट विद जिंक पाउडर टू गिव ए गैस, यानी कि कैसे करती है? HCl अगर रहेगी तभी तो क्रिया करेगा ना, उससे जिंक से जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक, निकलेगी। एंड 39, देयर आर टू सोल्यूशन एक्स एंड वाई विथ pH 6 and 9 रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई आर, तो pH में 7 से जब कम होता है क्या होगा? एसिडिक होगा, और 7 से अधिक होगा तो बेसिक होगा, यानी एसिडिक एंड बेसिक, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक। एंड देख लीजिए 40 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कब देगा? कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH के होल ट्वाइस से जब क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, फार्मूला क्या होता है? CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, CaOCl2। एंड क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें क्या हो जाएगा? आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आयोडीन जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? सॉलिड रहता है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? गैसियस स्टेट में हो जाएगा, इसके ऊपर जो है गैसियस स्टेट में हो जाएगा। अब नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 42, 42 में विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट एक्वस सोल्यूशन टर्न्स द फिनाइलएथिलीन इंडिकेटर पिंक, तो इंडिकेटर पिंक में कब चेंज हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट एक्वस सोल्यूशन टर्न्स द फिनाइलएथिलीन इंडिकेटर पिंक, तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट से जब हम यानी कि रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी, तो Na2CO3 इससे जो है यानी कि सोडियम कार्बोनेट चलेंगे तो वही एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 43 देखिए,
टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन्हें मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा, इन्हें मैक्सिमम ऑफ देखिए स्टार्च एंड वाटर क्या होगा, स्टार्च एंड वाटर ये वाला ऑप्शन सही होगा, स्टार्च एंड वाटर। ठीक समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 में क्या, एंड अदर फोर्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फॉर्ड अंडर इफेक्ट अंडर अनडिफ्लेक्टेड इन अदर फोर्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल फॉर अनडिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्ट हुए थे इन अदर फोर्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, उन पर यानी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा था। एक ये वाला जो है ऑप्शन सही है। एंड 45 सेलेक्ट द नॉन मेटलिक इलेक्ट्रॉन एंड क्वेश्चन नंबर क्या है 45 है ना, इसको हम सेलेक्ट द नॉन मेटलिक एलिमेंट इन द फॉलोइंग, तो इसमें क्या हो जाएगा बोरान, इसमें क्या होगा बोरान, नॉन मेटलिक है ना इसमें बोरान हो जाएगा। ठीक और सब क्या है मेटलिक है प्रॉपर्टी, और सब क्या है मेटलिक प्रॉपर्टी है। एंड नाउ वी सी 46 क्वेश्चन नंबर, इच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज, कैथोड रेज के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बी कैन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड फॉर एंड कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, इसमें यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ये नहीं सही है, और सब जो है सही है। ठीक और सब क्या है सही है। ठीक ओके करेक्ट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, और क्वेश्चन जो है कराया जाएगा, आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।